लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज। हाँ, इसलिए मेरे जो बड़े जो गुरु भाई हमारे श्री भक्ति रंजन श्री सागर गोस्वामी महाराज आज यहाँ पर उपस्थित है। जब मैंने पहले आया मंदिर में तो महाराज जी अपना श्री चरण में हमें स्थान दिया था, क्योंकि गुरु जी उसी समय गुरु जी कलकत्ता में थे, इसलिए महाराज जी पूरी मंदिर में श्री सारस्वत गौड़ीय मठ का इंचार्ज उसी समय श्री महाराज इंचार्ज थे। और महाराज जी जब मैं मंदिर में आया इनकी अनुगत में ही मैंने जीवन को बिताया, और महाराज जी मेरे को बड़े प्यार करते थे, बड़े प्रेम करते थे। एक समय हमारे जो गुरु जी थे एक बढ़िया स्वेटर उन्होंने महाराज को दिया था, लेकिन वो बहुत कीमती था। लेकिन जब मैं मंदिर में आया महाराज जी मेरे ऊपर में संतुष्ट होकर के वो स्वेटर जो गुरुद्वारा का जो प्रसादी स्वेटर था महाराज जी वो मुझे महाराज जी। और महाराज जी जब मैं मंदिर में आया पहले उस समय मैं बहुत सेवा करता था, और महाराज जी हमारे श्री गुरुदेव रहते थे कलकत्ता में, तो महाराज जी एक पत्र महाराज जी वहाँ लिखे, पहले मेरा नाम पहले था रसानंद पहले था, अभी तो दूसरा नाम हो गया, उसको पहले मेरा और कोई नाम था। तो महाराज ने एक उस समय गुरुदेव केवल गुरुदेव मेरे को हरि नाम दिए थे, उस समय मेरे को दीक्षा मंत्र नहीं मिला था। तो महाराज जी मेरे गुरु जी के पास में पत्र लिखे, बोले रसानंद बहुत सेवा कर रहा है, अब जब आना इनको दीक्षा मंत्र देकर के जाना। तब इन्होंने हमारे गुरु जी को बोले, क्योंकि हमारे मंदिर में पहले दीक्षा मंत्र भी इतने सहज में नहीं मिलता था, जब बड़े लोग उसको अनुमोदन करते थे तभी जाकर के दीक्षा मंत्र मिलती थी। तो महाराज जी मेरे गुरु जी को पास में पत्र लिखे, अब आकर के आप इनको दीक्षा मंत्र देना। तब हमारे जो बड़े गुरु उस समय तो फोन नहीं था, उसमें पत्र था, उसमें मेरे गुरुदेव ने उन्होंने पत्र लिखे, बोले ओ सागर महाराज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, जरूर ये अच्छी सेवा करता होगा, अच्छी सेवा करता होगा, क्योंकि महाराज सहज में महाराज को संतुष्ट करना इतना आसान है। वो तभी महाराज संतुष्ट होते थे अगर सचमुच से अगर देखते थे ये सेवा करता है, तभी महाराज जी संतुष्ट होते थे। तब मेरे गुरुदेव महाराज जी बोलने पर मेरे गुरुदेव ने मेरे को दीक्षा मंत्र प्रदान किया, इसलिए मैं पहले आकर के अपना जीवन को श्री महाराज जी के श्री चरण में हमने बिताया। इसलिए हम महाराज जी के हम बड़े महाराज जी हम आभारी हैं, इसलिए आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां। देखो ये बहुत पुराने वैष्णव है, अभी पुराने वैष्णव है, इन लोगों को भक्ति कैसे करनी चाहिए इनको बहुत अनुभूति इन लोगों का। हिंदी बुझते पार चाहे तो बांग्ला, हाँ हिंदी बुझी पार बांग्ला, हरे कृष्णा। इसलिए ये बहुत पुराने वैष्णव है, इसलिए इनको भक्ति कैसे करनी चाहिए इनकी बड़ी अनुभूति है। इसलिए हम महाराज से प्रार्थना करेंगे, महाराज सबका आशीर्वाद दे और थोड़ी सी हरि कथा सुनाए, हम कैसे सारा जीवन ये भक्ति करते करते सारा जीवन कैसे हम भक्ति में कैसे अपना जीवन को बिताए, फिर ये महाराज जी की ये अनुभूति है। इसलिए महाराज जी क्योंकि ये जो भक्ति जीवन में बड़ा बाधा है, भक्ति जीवन में प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, इसमें तो सब आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है, आ रही है, अब इधर ऊपर आ गया ऊपर आ। इसलिए क्योंकि भक्ति मार्ग को बताया, भक्ति मार्ग ये कुटी कंटक बता, और उपनिषद कहता है दुर्गम पतस्तत कवयो बदंती। कभी लोग कहते हैं जो भक्ति का मार्ग है वो करोड़ों कांटा युक्त है, बोले सत्यम सत्येन विघ्नानि, अगर कोई सच बोले ना उसमें सौ बाधाएं, अगर कोई तपस्या करे उसमें हजार बाधाएं, अगर कोई भगवान की भक्ति करे उसमें तो प्रति पद पद में ही बाधाएं हैं। यदि यहाँ तक भी जब कोई भगवान की भक्ति करते हैं स्वर्ग के देवता लोग भी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, बोले क्यों, बोले देवता लोग क्यों टांग खींचते हैं,
क्योंकि जो भगवान की भक्ति करे वो कहाँ जाएंगे, वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, यदि ये गोलोक वृंदावन जाते हैं। और देवता लोग कहाँ रहते हैं, बोले स्वर्ग लोग में ये देवता लोग रहते हैं। और लोग ये सोचते हैं ये मरते जगत में जन्म हुए और हमारे सर पर प्यार रख करके ये गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, हम इनको जाने नहीं देंगे। इसलिए वो भी टांग पकड़ करके खजना शुरू करते हैं। अपनारा बुझते कहने गोविंद भजन करते गले जीवने अनेक बाधा विपत्ति आसे। एक पर जैसे देवताराओ हमारे ठेक घर टाणते आरम्भ करे, कारण की बोले कारण हलो जो क्यों राधा गोविंद भजन करे कथाए जाए गोलोक वृंदावन जाए और देवतारा थके कथाए बोले स्वर्ग लोक थके। और स्वर्ग लोक हल अत्यंत तुच्छ लोक, हाँ अत्यंत तुच्छ लोक। ये नहीं गोविंद भक्ति करते गले ताराओ पर ठेक घर टाणते आरम्भ करे जाते हमारे माथार ऊपर पाए दिए जाते गोलोक वृंदावन ना जीते पारे। भक्ति मार्ग से बोले कोटि कंटक रुद्ध माने अनेक कांटा युद्ध भगवान भक्ति करते गले अनेक बाधा अच्छे। भगवान हमारे महाराज पुराण वैष्णव इनी इन्हें अनेक दिन थे गुरु वैष्णव आनंदते दिखे भजन करछे इन्हें आशीर्वाद दिले जाते सारा जीवन हमारा गुरु वैष्णव आनंदते जाते गुरु वैष्णव ठाकुर सेवा करते करते जाते हमारे जीवन अतिवाहित है। महाराज इतनी सबाई के एक आशीर्वाद में महाराज सभी को आशीर्वाद देंगे। जैसे सारा जीवन भक्ति करते करते जैसे हमारे जीवन जैसे बीत जाए गुरु वैष्णव के आनंद में श्रीला भक्ति रंजन श्री सागर गोसाई महाराज। সতীর্থ তিনি যা বলেন অনেক কিছু বলেন কিন্তু আমি আমার তো ঘুম নেই, বলবারও ক্ষমতা নেই। আমি আমি এইটুকু বলতে পারি গুরুদেব বা ভগবান একটা কথা বলেছেন মা বলেছেন যদি তুমি যদি আমাকে না ছাড়ো আমি তোমাকে ছাড়বো না, বুঝতে পারছেন। ভগবান বলতে তুমি যদি আমাকে নেই ছড়ে গা দামকে তুমি ছড়াই ছড়ে সীতা क्या करना चाहिए। इसी इसीलिए हम गुरुदेव का चरण पकड़ के पढ़ा। ये महाराज जो बोला है बहुत बार करके बोला है लेकिन हमारा बहुत को शुद्ध श्रद्धा करता है, हम ऐसा नहीं कर सकता है। खाली जय देगा जय श्रीधर महाराज की जय बोलेगा। आप लोग बहुत बहुत भक्त है, बहुत मैंने भागा है जी आप लोग ऐसा करें जाए परम्परा हम लोग है तो ये सब सत्य गुरु मिल गया। हम लोग दिनों करके उनका चरण पकड़ के उनका भजन उनको उपदेश पालन करके चलिए जो बुरा है क्या नया बोलता है। महाराज जी एक बात बताए, महाराज जी एक बात बताए, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर आप हमें नहीं छोड़ोगे ना हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी महाप्रभु हमारे लिए बहुत दूर है, अभी महाप्रभु का हमने नहीं देखा है। अभी हम किसको देखा है, गुरु और वैष्णव को देखा, गुरु और वैष्णव का हमने देखा है। अगर गुरु वैष्णव का अगर हम महाराज यही बता रहे हैं अगर गुरु वैष्णव का अगर हम चरण पकड़ के रह जाए ना फिर तो महाप्रभु अपने आप हमें स्वीकार कर लेंगे। इसलिए अभी हमारे बंसीवदन प्रभु आप लोगों को ये गुंडीचा मंदिर मार्जन है क्या जी, महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए क्यों आते थे, इसको ऊपर में प्रभुपाद ने क्या बताया। अभी हमारे बंसीवदन प्रभु जी इसी विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हमारे श्री बंसीवदन प्रभु गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 परम आराध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभ गौड़ी गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सड़ गोस्वामी पाद सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित हमारे पूज्यपाद प्रपूज्य चरण श्री श्रील भक्ति रंजन सागर गोस्वामी महाराज जी के चरणों का उन्हें दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात हमारे पास उपस्थित भक्ति भक्ति स्वरूप साधु महाराज जी के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमल दंडवत प्रणाम कर उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे याद आ रहा है, हमारे श्री भक्ति वेदांत भारती गोस्वामी महाराज बता रहे थे जब गौड़ीय मठ की गुंडीचा मंदिर मार्जन होता था एक साथ आते थे, जितना गौड़ीय वैष्णव उपस्थित रहते थे सब एक साथ आते थे। और उसी समय श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी उपस्थित थे। एक बार की बात है वो बता रहे थे जब सब लोग अपेक्षा कर रहे थे कब महाराज आएंगे, जब महाराज जी आ गए सबके अंदर इतना आनंद उल्लास आया क्योंकि महाप्रभु के अनुसार महाप्रभु ने जो बताया कि मार्जन करके तो चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करना है लेकिन कभी कभी हमारे सामर्थ्य नहीं होता। अभी आज ऐसा कि तिथि कोई मार्जन किया नहीं किया लेकिन हृदय मंदिर मार्जन होने के लिए तो एक तरीका है आज वैष्णव दर्शन आज इतना बड़ा आनंद उत्सव है। महाप्रभु ने जब किए सब लोग सारी वैष्णव को दर्शन करने के लिए सुजग मिल जाता है। बड़े सौभाग्य से आज महाराज की दर्शन करने सुजग मिला, हमारे बड़ा सौभाग्य है। ऐसे तो महाप्रभु की गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला है, मार्जन कभी लीला नहीं होता है। हम लोग तो हजार लोग अभी सुबह सुबह कितने म्युनिसिपैलिटी की तरफ मार्जन करते हैं दंड को, लेकिन वो लीला होगा क्या? थोड़ी। लेकिन महाप्रभु जो करते हैं चाहे कुछ भी करे वो लीला बन जाता है। हाँ, चोरी किए भगवान राण छोड़ के चले गए तो लीला बन गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान होने के कारण ये मार्जन किए तो लीला बन गया। और लेकिन उसी लीला के द्वारा शिक्षा दे रहे अन्य मिला सीता शून्यम ज्ञान कर्म जनामृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर जो चित्त रूपी सिंहासन में स्वराट भगवान होने पर भी स्वच्छंद रूप में विहार करने के लिए उनकी विहार स्थल बनाने के लिए जो चाहिए पहले इसी गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला की उन्होंने। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन करने के लिए महाप्रभु जब आए, पहले तो राजा अपना कर्मचारी की तरह करते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने महाप्रभु मंदिर को स्वयं आत्मा वृंदे अपना 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 परिकरों के साथ महाप्रभु ने मार्जन किए। पांच चीज को उसमें बताया गया कि क्या उन्होंने झाड़ू, पहला बात तो झाड़ू और कलशी में पहले साफ किए, ये माध्यम है यानी आत्म इंद्रियों के द्वारा सेवा मार्जन। और जल डालना मतलब श्रवण कीर्तन जले सेचन यानी कृष्ण कृष्ण इसमें चैतन्य चरितमृत में वर्णन है। कोई किसको नाम लेकर नहीं बुलाते थे, किसको संकेत करते थे तो कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण मतलब कृष्ण नाम। और इंद्रिय के द्वारा सेवा के द्वारा चित्त रूपी दर्पण मार्जन जरूर होगा। तो पहले उन्होंने साफ किए कंटका किरण कंटा कंटा कांटे युक्त घास को उन्होंने साफ किया महाप्रभु ने। उसके बाद काफी दिन से पड़ा हुआ धूल को उन्होंने साफ किया।
उसके बाद उन्होंने धूप साफ करने के बाद कंकड़ था उसी कंकड़ को सबके द्वारा साफ किए। उतना साफ करने बाद नहीं हुआ, फिर महाप्रभु ने देखा थोड़ा थोड़ा और कुछ रह गया, उसको साफ किए। और पांचवा बार महाप्रभु ने रत्न सिंहासन के ऊपर उन्होंने देखा जो काले काले कुछ थोड़ा दाग रह गया था, महाप्रभु अपना बहिर्वास के द्वारा उनको साफ किए। ऐसा तो बाह्य रूप में गुंडीचा मंदिर मार्जन, लेकिन वास्तव में क्या रहस्य है? अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति शुद्ध भक्ति हृदय में लाने के लिए अन्य अभिलाष होता है कंटक युक्त घास। ये क्या है? हाँ, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपने इंद्रिय तर्पण करना ही जो भोग वांछा है। ये जागतिक जगत की सुख, अपना शरीर को आराम देने की जो वासना, ये है अन्य अभिलाष। यही अन्य अभिलाष ही पहले निकालना चाहिए। कैसे निकालना? महाप्रभु खुद अपना बहिर्वास में सब का सारी आवर्जना को लेकर के मंदिर के बाहर फेंका, यानी अन्य अभिलाष को इतना दूर करना चाहिए जो कि अपना हृदय में कभी भी ना घुस जाए, अपना हृदय मंदिर में। ये अन्य अभिलाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उसके बाद कर्मा कर्म योग की प्रयास के द्वारा साधक चाहते हैं स्वर्ग लोक यह लोक में सुख। सत असत कर्म की वासना के द्वारा कुछ करना चाहते हो, क्या है? वही वासनाएं धूली। और कर्म चक्र जैसा घूर्णायमान वायु क्या करता है? धूली को ले करके पूरा धूला कर देता है, स्वरूप प्रकाशित नहीं होता। तो इसीलिए महाप्रभु के जल दे करके झाड़ू के द्वारा साफ किया। तो कर्म यानी लोग व्यक्ति सोचता है, साधक सोचता है कर्म के द्वारा हम कर्म का नाश कर देंगे यानी सुख प्राप्त कर लेंगे, कभी संभव नहीं है। इसी स्कंद से लेकर के भार को उसी स्कंद में डालने से एक स्कंद तो हल्का हो जाएगा, दूसरा स्कंद की भार बढ़ जाएगा। इसलिए कर्म के द्वारा कभी भी सुख प्राप्त करना, भगवान को विराजमान करना संभव नहीं है। ये तो केवल केवल सर्प जैसा मन्य कुंजर शौचवत, जैसा हाथी स्नान करके फिर धूली अपना ऊपर डालना हो जाता है, कर्म वासना के द्वारा अपना हृदय को मार्जन करने कोई अगर कोशिश करे वो ऐसा वृथाई होगा। वो क्या है? महाप्रभु कहते धूली है, उसी धूली को साफ करो। लेकिन धूली को साफ करने के बाद महाप्रभु देखते कंकड़ कुछ रह जाता है। कंकड़ क्या है? कंकड़ है ज्ञान योग की प्रयास। निर्विशेष निर्गुण निर्विकार वादी लोग जैसा ज्ञान के द्वारा करना चाहते हैं अपना हृदय को मार्जन और भगवान को बैठाना चाहते, कभी संभव नहीं होगा। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं ज्ञानियों दो स्टेज के होते हैं, दो स्तर के, एक होता है मुमुक्षु और एक होता है मुक्त अभिमानी। मुक्त नहीं होते वो लोग। मुमुक्षु क्या है? पहले तो मुक्त होने के लिए इच्छा करते हैं मुमुक्षु, इसलिए ये लोग हरि नाम को कभी कभी आश्रय लेते हैं, विग्रह पूजा को कभी कभी आश्रय लेते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं हम मुक्त अभिमानी बन जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये लोग भगवान के चरण में अपराधी होने के कारण ये मुक्ति जो कामना है भगवान को चुभता है कंकड़ जैसा। तो इसलिए भगवान कहते कंकड़ को हटाओ, यानी ज्ञान मार्ग के प्रयास को भी निकाल दो। लेकिन उतना निकालने के बाद भी महाप्रभु फिर देखते हैं कुछ कुछ रह जाता है और कुछ कुछ भी। ये क्या है? कुटीनाटी, जीव हिंसा, निषिद्धाचार, प्रतिष्ठा, आशा, लाभ पूजा, ये सब कुछ, ये है कुछ कुछ फिर रह जाता है। क्योंकि साधक जब भक्ति मार्ग में अग्रगति करता है, गुरु वैष्णव के चरण को आश्रय लेता है, तो ज्ञान अन्य अभिलाष को तो जान करके छोड़ देता है। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग भी प्रयास वृथा है, उसको जानकर छोड़ देता है। लेकिन अंदर ये सब उनके भक्ति साधक के अंदर भी प्रकाशित होती है। कुटीनाटी, कुटीनाटी क्या है? कपटता। कपटता मतलब सरलता का हीनता, सरलता का रहित होना, ये कुटीनाटी है कपटता। सरलता क्या है? भितरे बाहिरे सम व्यवहार,
अंदर में जैसा बाहर में ऐसा। श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज कहते थे, हाँ गुरु वैष्णव न्यायमूर्ति नहीं है, ऐसे कि महाप्रभु के परिकर लोग हमारे महाराज लोग तो न्यायमूर्ति नहीं है, कृपा के मूर्ति है। महाप्रभु तो छोटे हरिदास को दंड दिए, लेकिन कृपा मूर्ति होने के कारण दोष को देखते नहीं, कृपा करके भक्ति में लगाते। तो इसलिए जो उट्टी नाटी मतलब क्या है, गुरु वैष्णव पतित पावन हो सकते, पतितानं पावनेभ्यो, वंदना में कहा नहीं गया कपटानं पावनेभ्यो, कहा गया क्या लिखा गया, पतितानं पावनेभ्यो, पतितों को पावन करने वाले, कपटियों को नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते उसको छोड़ो, अभी मत दो। कुटी नाटी मतलब कपटता का महाप्रभु हटा रहे, कपटता मत करो, भीतर बाहर में सम व्यवहार करो। और कुटी नाटी उसके बाद क्या, जीव हिंसा। जीव हिंसा क्या है, हमारे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वग्र प्रभुपाद को जब उन्होंने कोडम तला में मारने के लिए दौड़े, मारने के लिए आए, प्रभुपाद को सब लोग बोले प्रभुपाद हम केस करेंगे, बोले नहीं ये जीव हिंसा वास्तव नहीं है, शरीर का कुछ आघात पहुंचाना, शरीर को मारने के लिए प्रयास करना, ये जीव हिंसा नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्ति बाधक तत्व को विचार प्रचार करते हैं, धर्म विरुद्ध जीव की आत्यंतिक कल्याण होने के पथ का बाधा स्वरूप विरोध करते हैं, ये वास्तव जीव हिंसा है, उनका विरोध में हमको सर्वोत्कलन करना है, आंदोलन करना है। इसलिए कहते हैं क्रिएट रिवॉल्यूशन, हमारे गौरव गोस्वामी महाराज कहते थे क्रिएट रिवॉल्यूशन, विप्लव बनाओ, यानी जीव हिंसा वास्तव वही है, शुद्ध भक्ति की प्रचार करने के लिए कृपणता ही वास्तव जीव हिंसा है। शुद्ध भक्ति की प्रचार करने के लिए अगर विरोध करना ही वास्तव जीव हिंसा है, इसलिए ये जीव हिंसा को छोड़ना। यानी कोई अगर महाप्रभु तो बोल रहे थे जिन्होंने अच्छी तरह साफ किया, आवर्जना ज्यादा इकट्ठा किया, उनको जाके महाप्रभु तारीफ किया, इनाम दिए, तुम दूसरे को सिखाओ, यानी तुम आचार्य बनो, तुम्हारे हृदय साफ हो गया, तुम दूसरे के हृदय साफ करने के लिए हरिनाम की प्रचार करो, महाप्रभु इसलिए उसको बताया जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब क्या है, शुद्ध भक्ति की प्रचार में कृपणता ही वास्तव जीव हिंसा है। और प्रतिष्ठा की आशा, प्रतिष्ठा की आशा क्या है, धर्म के नाम पर मैं बड़ा धार्मिक हूँ, निर्बोध लोगों के सामने अपने को धार्मिक प्रचारक भक्त बना करके कुछ धन और सम्मान रोजगार करना ही वास्तव प्रतिष्ठा की आशा है। महाप्रभु उनको बोले शुकर विष्ठा के साथ समान है, महाप्रभु उनको निकालो, उसको भी साफ करो, प्रतिष्ठा सा दुष्टा स्वपत रमणी मैं हृदय नटे, दुष्टा मतलब क्या है, निर्लजा। सन्मोदिनी भाष्य में, दिग्दर्शनी भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं दुष्टा मतलब निर्लजा। निर्लजा किसको कहा जाता है, अंदर है बाहर को छिपाएगा, मेरा अंदर नहीं है। तो अंदर प्रतिष्ठा की आशा होते हुए भी कभी साधक अपने को बाहर को दिखाता है, मैं जैसा निष्किंचन वैष्णव हूँ और कोई नहीं है, ये जो निर्लजा प्रतिष्ठा की आशा है उसको निकालने के लिए महाप्रभु ने बताया निकालो उसको, उसको भी साफ करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा सा। उसके बाद लाभ पूजा, लाभ पूजा क्या है, हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सद्गुरु प्रभुपाद कहते हैं धर्म के नाम पर विग्रह जीवी, विग्रह बेच करके धर्म करने के लिए लालसा, और पांडित्य जीवी, पांडित्य दिखा करके अपने को कुटुंब पोषण और परिवार पोषण और अपने को इंद्रिय तर्पण करने के लिए पैसा कमाई करना, भागवत जीवी, भागवत को जीविका बना करके जिन्होंने भागवत करते हैं, ये सब लाभ पूजा प्रतिष्ठा के अंतर्गत है। महाप्रभु कहते उसको निकाल करके फेंको। लेकिन फिर उसके बाद में भी महाप्रभु ने देखा कि कुछ सिंहासन में दाग लगा हुए, ये दाग क्या है, साधक सब कुछ छोड़ देता है लेकिन बाद में कहां कहां कोने में छिपा रहता है कि मुक्ति की कामना। महाप्रभु उनको अपना बहिर्वास में जल दे करके धीरे से, यानी सूक्ष्मता के साथ, सरलता के साथ उनको सहज रूप से उनको साफ कर देते हैं। तो तब जाके भगवान आके विराजमान करेंगे, स्वच्छंद भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण स्वराड कृष्ण स्वच्छंद विहार करेंगे। इसलिए कहते तो हमारे भक्ति से प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हमारे कहते थे कि क्या है, कर्मी कृष्ण भक्त निष्काम
अतएव शांत पहला लाइन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, ये लोग अशांत रहेंगे वहां पर गोविंद विश्राम नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव कहते हैं अगर कामी जोगी ज्ञानियों के अंदर आके बैठ गए भगवान विश्राम थोड़ी करेंगे, वो तो अविश्रांत गति में दौड़ना पड़ेगा, मुक्ति दे दो दौड़ के भगवान आ गए, ये चीज संभाल लाओ तो भगवान तो काम करने के लगेंगे और हृदय में कहां विश्राम करेंगे। लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनका हृदय में निष्काम होने के कारण कोई कामना नहीं रहता है, भगवान के लिए हृदय सिंहासन को विराजमान करने के लिए पूरा साफ सुथर करके आज मार्जन कर लेते हैं, तब जाके गुंडीचा मंदिर मार्जन सफल होता है, हृदय निष्कामता में भर जाते हैं। निष्काम मतलब महाप्रभु निष्काम मतलब क्या बोले, हमारे परम गुरुदेव जैसा कहते हैं मौन मतलब कृष्ण कथा बोलना ही वास्तव मौन है, इसलिए कालम बता रहे थे कि भाई ऐसा है भक्ति मार्ग में कभी कभी तृतीय राज्य में हाँ ना होता है ना भी हाँ होता है, हमारे परम गुरुदेव जैसा कटहल के पेड़ में बांध करके आदमी को पिटाई करना, सूट बूट पहन करके घोड़ा के ऊपर चढ़ करके घूमना दिखाई देते है वैष्णवता नहीं है, लेकिन वही वास्तव दीनता है। दीनता मतलब केवल नहीं हाथ जोड़ देना सिर झुका देना बाहवा कर लेना नहीं, दीनता मतलब गुरु वैष्णव सेवा के लिए अगर कहाँ कमर कसना है कमर कस लिया, कहाँ झुकना है झुक गया, गुरु वैष्णव की सेवा ही हमारे प्राण है, तो जिन्होंने इस प्रकार करने लगे तो वही वास्तव दीनता है वैष्णवता है, और उनके हृदय में आकर के गुरुदेव वैष्णव ये भगवान विराजमान करते हैं। तो आज इसी गुंडीचा मंदिर मार्जन की तिथि पर गुरु वैष्णव की अनुगति में महाराज लोग के चरण में हम प्रार्थना करते हैं, जैसा कि हम लोग के हमारे हृदय में तो ये भरा हुआ है बोलने के लिए बोलते कि साफ करने के लिए, तो हमको कृपा करे जैसा कि हमारे हृदय से भी साफ हो जाए और गुरु वैष्णव की सेवा की कामना बने रहे, इतना बात बोलकर मेरा वाणी में विराम देता हूँ। धन छापण करते हुए